अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? आप सभी को अपने चैनल ओपन नॉलेज गेनर में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, ये पेपर आज कंडक्ट हुआ है 4 जनवरी 2020 को, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इंस्पेक्टर का पेपर। फ्रेंड्स, ये बैच 4 का जो है पेपर कंडक्ट हुआ है आज। जैसे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए कई बैचेस के पेपर जो है कंडक्ट किए थे, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, मे भी आगे भी बैच 5 हो, मे भी हो, लेकिन जो है आज इस वीडियो में हम लोग बैच 4 के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसके कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैंने इसी वीडियो में अपलोड किए हैं, इसको जो है हल करेंगे, इसको देखेंगे। क्योंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी रिसेंटली पेपर्स हुए हैं, देखा गया है कि कई क्वेश्चन जो है रिपीटेड हुए हैं। बैच 2 के बैच 1 के क्वेश्चन जो है बैच 4 में आए हैं, आगे भी चांसेस है कि रिपीट हो जाए। अगर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के आगे अगर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस खामखा देखें, क्योंकि मे बी के ये जो है जो MCQs हैं, ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो जाए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? तो ये हफीज जलंधरी ने इन्हें जो है पाकिस्तान की एंथम को जो है इन्होंने जो है लिखा था, रोड। तो इट्स म्यूजिक वाज कंपोज बाय अहमद चागला साहब ने 1949 में जो है इन्होंने म्यूजिक जो है वो कंपोज किया था। उसके बाद फिर द लिरिक्स विच वर रिटन बाय हफीज जलंधरी इन 1952 में जो है इन्होंने जो है नेशनल एंथम लिखा था। देन व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? तो नेशनल बर्ड जो है वो हमारे पास चिकोर है, इस तरह का होता है चिकोर। आगे चलते हैं। देन पाकिस्तान नेशनल ट्री दियोदर, इसको हिमालयन सेडर भी कहा जाता है, बाज़ औक़ात पे ये नाम भी यूज हुआ हुआ है, लेकिन बेसिकली दियोदर इज द राइट आंसर, दियोदर। हु इज द फादर ऑफ सुल्तान उस्मान गाजी? सुल्तान उस्मान गाजी बेसिकली इज द लीडर ऑफ ओटोमन डेंसिटी, इन्होंने फाउंडर थे ओटोमन डेंसिटी के, जो 1299 में ये फाउंड हुई थी। ये बॉर्न हुए थे 1258 में तुर्की में, फिर इनकी वफात हो गई थी 1 अगस्त 1326 बर्सा तुर्की। फिर इनको कहाँ दफन किया था? टॉम्ब ऑफ उस्मान तुर्की में इनको दफन किया गया था। बेसिकली क्वेश्चन ने पूछा इनके फादर कौन थे, तो उसके फादर जो है रुकनोबाज थे। आगे चलते हैं। तो उर्दू में बेसिकली उर्दू का मतलब पूछा था, तो उर्दू का मतलब हमारे पास आर्मी है। ये 19 मार्च 1948 को कादी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डिक्लेयर उर्दू एज स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान ने, इन्होंने उर्दू जो है डिक्लेयर की थी 1948 में। व्हेन गज़वे बदर वाज़ फ़ॉट, बेसिकली गज़वे बदर 2 हिजरी में जो है लड़ी गई थी। एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है, तो एग्जैक्ट डेट जो है 13 मार्च 624 AD 17 रमज़ान मुबारक में 2 हिजरी इन द इस्लामिक कैलेंडर। बेसिकली इस्लामिक हिस्ट्री में टोटल जो है 29 गजवे जो है बैटल जो है लड़ी गई थी, जिसमें 27 बैटल जो थी वो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के अंडर लीडरशिप में लड़ी गई थी। 27 9 बैटल वेयर दोज विच मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फाउट हिमसेल्फ, 9 ऐसी बैटल थी जो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने खुद उनका जो है उन लड़ी थी। ये जो है नॉन जो है 9 गजल थी गजबे हैं बैटल्स हैं जो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने खुद लड़ी थी। इसकी बैटल ऑफ बदर, ओहद, खंदक, बनू कुरैज़ा, बनू अल मुत्तलक, हैबर, फतेह मक्का जो है, द बैटल ऑफ हुनैन एंड द बैटल ऑफ तैब, इसको तबूक भी कहा जाता है। तो ये जो है 9 बैटल जो है उन्होंने लड़ी थी, और टोटल जो है 29 है। यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर 13 मार्च 624 है। अगर हिजरी पूछी है तो 2 हिजरी है। टर्निंग पॉइंट आफ्टर द बैटल ऑफ बदर, तो बदर का टर्निंग पॉइंट फॉर मुस्लिम के लिए था सबसे इम्पोर्टेंट जो है बैटल जो है बैटल थी, तो इनकी टर्निंग मुस्लिम के लिए थी क्योंकि ये फिर बैटल जीत गए थे। ओके, फाउंडर ऑफ वोमेन मोमेंट, वोमेन बेसिकली मोमेंट बेगम राना लियाकत अली खान ने जो है इनका फाउंडर थे, जिनकी ड्यूरेशन थी 1905 से 1990। वाज अ वोमेन राइट एक्टिविस्ट, शी वाज द फाउंडर ऑफ द ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन, जो 1979 में इन्होंने इनका आगाज भी किया था। तो फाउंडर ऑफ वोमेन मोमेंट बेगम राना लियाकत अली खान।
रियल नेम ऑफ हजरत अबू बकर सदीक का जो रियल नेम था वो अब्दुल्ला बिन अबी कोहोफा था। ये जो है 553 एडी मीका मर अरेबिया में पैदा हुए थे। इनके फादर का नाम जो है ये उत्मन अबू कोहेफा था, मदर सलमा उम्मे कहर खैर, और इनका जो कबीला था वो कुरैश बनू तैम जिसे कहा जाता है। इन्होंने 2 साल 3 महीने 11 दिन जो है इनकी इन्होंने जो है रेन किया था। इनका जो है जूनियर था डेथ आफ्टर इलनेस, उसके बाद बीमारी के तहत ये वफात पा गए थे। हिरील ओवर द रसुदून खलीफा फ्रॉम ये इनके ड्यूरेशन जो है 632 से 634 हिजरी है। व्हेन द ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम खलीफा फॉलोइंग मोहम्मद डेथ, उनके बाद जो है मोहम्मद उनकी डेथ के बाद जो है इनकी जो है वफात हुई थी। विच कंट्री पी एम स्टेप डाउन इन फेस ऑफ प्रोटेस्ट। बेसिकली जो रिसेंटली अक्टूबर 2019 में साद हेरी जो है इन्होंने जो है अपनी वजाहत से इस्तीफ़ा दिया था, क्योंकि इन्होंने इनकी जो है कंट्री में बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ, तो इन्होंने जो है उनको जो है इसने इस्तीफ़ा दिया था। ये आर्टिकल आप पढ़ लो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विच कंट्री पीपल प्रोटेस्ट अगेन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के ऊपर भी लेबनान के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था 7 नवंबर 2019 को। क्यों किया था? क्योंकि उनके जो है टैक्स लगा दिए गए थे वेरियस जो है इंटरनेट कॉल सर्विस फेसबुक मैसेंजर वगैरह पे। देन शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिमला कॉन्फ्रेंस बेसिकली 1945 को हेल्ड हुई थी, लोकेशन शिमला इंडिया। ये कॉन्फ्रेंस जो थी मीटिंग बिटवीन द वेसल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेवल एंड द मेजर पॉलिटिकल लीडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड शिमला। इस कॉन्फ्रेंस में ये आर्टिकल आप पढ़ लो। इस कॉन्फ्रेंस बेसिकली मुस्लिम को और पाकिस्तान को जो है अलग, मुस्लिम और इंडिया को अलग अलग राइट्स, अलग अलग कंट्री मुंतखब करने का जो है एजेंडा मिला था। मेजोरिटी रेन आप पढ़ लो इसको। व्हेन इंडिया को पाइट साइचिन ग्लेशियर, साइचिन ग्लेशियर बेसिकली 13 अप्रैल 1984 को जो है ये इंडिया ने ऑक्यूपाइड किया था। 13 अप्रैल इंडिया ट्रूप स्नैच कंट्रोल ऑफ द साइचिन ग्लेशियर इन नॉर्थन कश्मीर नॉर्वे नॉर्वली बेटिंग पाकिस्तान। बोगरा फार्मूला आल्सो नोन एज, इसको बोगरा फार्मूला को कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला कहते हैं। जब मोहम्मद अली बोगरा साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, थर्ड प्राइम मिनिस्टर बने थे, जैसे कि फर्स्ट जो है सिकंदर मिर्जा है एंड ख्वाजा निजामुद्दीन, एंड थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली बोगरा जो 1953 में बने थे। उनके बनने के बाद उन्होंने कई मेहनत के बाद एक प्रोजेक्ट जो है मुसलमानों के लिए लेके आए थे, तो उनको 7 अक्टूबर 1953 को जिसको बोगरा फार्मूला और कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला भी कहते हैं। विच इज़ द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का फिफ्थ पिलर बेसिकली ये देखें, पहला पिलर जो है शहादा, बेयरिंग विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज हिज प्रॉफिट। सेकेंड जो है सलात नमाज का जिक्र है, प्रेइंग 5 times daily, गिविंग चैरिटी और ज़कात। थर्ड स्वान रोजे के बारे में, और थर्ड हज। विच इज द फिफ्थ पिलर, तो यहाँ पे हज जो है हमारे पास पिलर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर बेसिकली वो वीना में है, हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो वो वीना में है। इसका जो है हेड पेज करंटली जो हेड है रैफेल ग्रोसी। ये जो है फाउंडेड हुई थी 29 जुलाई 1957 में। मेंबरशिप 171 जो है इनके मेंबर की तादाद है। एनिवर्सरी ऑफ बर्लिन वॉल फॉल। बर्लिन वॉल फॉल बेसिकली ये डिमोलिश हुई थी 9 नवंबर 1989 में। इन 2019 में इनका जो है 30 एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड हुई थी। ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द बर्लिन वॉल 1961 to 1989 नियरली 80 पीपल वेयर किल ट्राइंग टू क्रॉस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बर्लिन। इसलिए जो है इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती थी इनकी शहादा के लिए, तो 9 नवंबर 1989 इसका राइट आंसर था। विच प्रेसिडेंट ऑर्डर टू किल ड्रग डीलर। ये बेसिकली फिलीपींस का जो है प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 12 जनवरी 2008 को जो है ऑर्डर दिया था फॉर किलिंग ड्रग डीलर। विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें से राइट आंसर हमारे पास रावी है जो फ्लो नहीं करता जम्मू एंड कश्मीर में। ड्यूरियन लाइन बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लाइन है। जो अगर लेंथ पूछता है तो ये हमारे पास उसकी लेंथ है 24 फीट। ये एस्टेब्लिश हुई थी 12 नवंबर 1893 में। द ड्यूरियन इज द
जो जिन्होंने बिटवीन सर मोटी मोर ड्यूरन सेक्रेटरी ऑफ द बेलेन इंडिया गवर्नमेंट एंड अब्दुल रहमान अली के दरमियान में एक माहदा हुआ था जो जिसके तहत ये ग्रीन लाइन जो एक्सप्लिस हुई थी। नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान, तो बेसिकली नेशनल कोड हमारे पास ये डी पी के है। फर्स्ट रिवील बुक हमारे पास तोरेत, सी तोरेत। हाउ मेनी डॉटर्स मोहम्मद पीस बी अपॉन हैड, उनकी जो है चार बेटियां थी बेसिकली, और उनके बेटे कितने थे आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। चार बेटियां थी, उनके नाम है फातिमा बिनते मोहम्मद, रुकैया बिनते मोहम्मद, जैनब बिनते मोहम्मद, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद, ये इनकी चार बेटियां थी। फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पहले जो खलीफा थे वो अबू बकर साहब थे। फर्स्ट खलीफा वो रूल उन्होंने 1932 से 1334 तक रूल किया था। ओके ये आर्टिकल पढ़ लो। एंड टाइटल ऑफ जुलनोरेन, जुलनोरेन बेसिकली हज़रत उस्मान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही वॉज कॉल्ड हर बिकॉज द वन हु इज ब्लेस्ड विद टू लाइफ्स, ही वॉज कॉल्ड हर बिकॉज ही मैरिड टू ऑफ द डॉटर्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम। अक्सर ये भी पूछा जाता है कौन सी दो बेटियों के साथ इन्होंने शादी की थी, तो रुकैया एंड उम्मे कुलसुम। ओके फ्रेंड्स, यहीं तक क्वेश्चन से अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।